मुझे अच्छी लगी फिल्म भारत, और बहुत ही अच्छा, मतलब सलमान जी ने काफ़ी अच्छा वर्क किया है, कैटरीना ने बहुत अच्छा वर्क किया है, सुनील ग्रोवर ने बहुत अच्छा वर्क किया है। मतलब एक अच्छी स्क्रिप्ट उठती है जिसमें भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा था तो उसको दिखाया गया उन्होंने, और उसके बाद में किस तरीके से अपनों को मिलने की एक अच्छी फीलिंग्स दी है, मतलब हर रंग है फिल्म में। हाँ हाँ, फिल्म बहुत अच्छी है, आपको रुलाएगी भी कई जगह, आपको हंसाएगी भी, हर रंग है फिल्म में। दिशा पटनी का काम कैसा लगा? दिशा पटनी का जितना वर्क था उन्होंने काफ़ी अच्छा किया, उन्होंने काफ़ी मतलब अच्छे इमोशंस भी दिए हैं और अच्छा काम किया उन्होंने। नाइस, आउट ऑफ 5 स्टार? 5 भी दे सकते हो। हाँ, अच्छा वर्क, थैंक यू सो मच। बहुत थर्ड क्लास मूवी है भाई। स्टोरी की मूवी है? नहीं, भारत कैसी लगी आपको? बिना स्टोरी की मूवी है, बहुत थर्ड क्लास मूवी है, बहुत थर्ड क्लास। सलमान से ये एक्सपेक्टेशन नहीं था। सलमान खान की एक्टिंग कैसी लगी? सलमान की एक्टिंग अच्छी है। सुनील ग्रोवर की एक्टिंग भी बहुत अच्छी है। एक्टिंग अच्छी है बट नो स्टोरी लाइन, नथिंग। कैटरीना कैफ? स्टोरी बिल्कुल नहीं है, एक्टिंग सबकी अच्छी है। बहुत वाहिया था, डायलॉग भी बेकार है। टोटल वेस्ट है, टोटल वेस्ट है, मत देखो, बहुत बेकार है। ओके जी, कितने स्टार देंगे आप? 2। सर आपको कैसी लगी फिल्म भारत? सर बिना स्टोरी की मूवी है जिसमें जबरदस्ती घसीटा गया है पूरी पिक्चर को। सिर्फ सलमान खान की एक्टिंग या सुनील ग्रोवर की एक्टिंग कह लें, सलमान खान की एक्टिंग भी नहीं, कि जो 4 कॉमेडी सीन थे बस उनकी दम पर ये पिक्चर को देखा गया है, बाकी तो पूरी पिक्चर बकवास है। कैटरीना कैफ का भी कोई खास रोल नहीं है, मतलब जो मेन हीरो है उनका कोई रोल ही नहीं है, जो हीरो है नहीं उनकी वजह से पिक्चर देखी गई है। डायरेक्शन आपको पसंद नहीं आया, आप ऐसा कैसे कहते हैं? नहीं, डायरेक्शन तो बढ़िया है, डायरेक्शन बढ़िया है, बट स्टोरी नहीं है, कोई लाइन लेंथ नहीं है, कुछ भी नहीं है, डायलॉग्स भी नहीं है, गाने भी नहीं है। कितने देंगे आप 5 में से? 1। थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत अच्छी मूवी है, सबको देखना चाहिए, बहुत अच्छा रोल किया है सलमान खान की एक्टिंग कैसी लगी? 1 नंबर, 1 नंबर। कैटरीना कैफ? 1 नंबर। सुनील ग्रोवर बहुत अच्छी एक्टिंग की उन्होंने, बहुत अच्छी। गाना पसंद है आपको इसमें? ओए थे यार। कितने स्टार देंगे आप? 5। या कोई डायलॉग ईद बना दी है? डायलॉग आप गुनगुना के जाएंगे? बोल के जाएंगे डायलॉग? तो नहीं, पर थैंक यू। थैंक यू। कैसी लगी आपको फिल्म भारत? भारत कैसी लगी आपको? बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बहुत इमोशनल। मैं कहता हूँ कि जितनी भी सलमान खान ने मूवीज की है ना, ये सबसे बेस्ट मूवी है उसकी, बेस्ट, और एक्टिंग वाइज भी बहुत जबरदस्त, अल्टीमेट, सभी बढ़िया। एक एक्टर जबरदस्त था, सभी ने अच्छा काम किया, और फिल्म इतनी इमोशनल है कि मैं खुद आंखों से आंसू आ गए थे। 5 में से जो 500 स्टार मिले तो वो भी कम है। अच्छी मूवी थी, बहुत अच्छी मूवी थी, डायरेक्शन बहुत अच्छा था, सॉन्ग्स भी बहुत अच्छे थे, सलमान खान और कैटरीना कैफ की एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी, सुनील ग्रोवर की एक्टिंग अच्छी थी, उनका कुछ ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं था, सिर्फ उनका वो ग्रेट सर्कस में उनका एक डांस था, इट वॉज अ गुड डांस। 3। इट इज़ अ वन टाइम वॉच। बहुत अच्छी लगी एज अ मूवी, इट इज़ गोना चेंज एवरीबडीज लाइफ, सो आई थिंक वी एवरी वन शुड वॉच इट एटलीस्ट वंस। सलमान खान डाई हार्ड फैन, सो आई लव यू। कैटरीना कैफ, दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी एंड आई थिंक दे शुड वर्क टुगेदर इवन मोर। सुनील ग्रोवर, ही किल्ड इट। एनी सॉन्ग यू लाइक इन द मूवी? स्लो मोशन में। डायलॉग पसंद आया आपको सलमान खान की फिल्म का, भारत का? देखो वो मैं बोलूंगी अच्छा नहीं लगा, उन पे सूट होता है तो। डायरेक्शन कितना पसंद आया? मूवी बहुत अच्छी थी, बीच में थोड़ी स्लो हो जाती है, पर आई थिंक इट इज़ नेसेसरी बिकॉज इट इज़ चेंजिंग एवरीबडीज लाइफ, सो ज़रूरी है। कितने स्टार देंगे आप? 4.5। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। मैडम कैसी लगी आपको फिल्म? इट वॉज टू गुड। यस, सलमान खान वेरी नाइस, रियली नाइस एक्टिंग, हॉट, गुड गुड नाइस, या या सुनील वॉज टू गुड नाइस। Yes, yes, it was. Not the song exactly, but I really liked the reunion of both the side ka people.
from Pakistan and India, and it was really emotional movie, and it was really nice to see that reunion part especially. Out of 5 stars, kitna le liya? 5. Thank you very much. Thank you. Na picture to achhi thi. Ji. Salman Khan ka acting achhe. Achhe. Gaane okay the. Sunil Grover. ठीक जी 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 और भी है दिशा पटनी है तो आपको ओके लगा लेकिन सलमान खान का काम अच्छा था और कोई गाना पसंद आया एक ही गाना जो शादी के टाइम का था जी आपको लगता है कि आपके लिए फुल पैसा वसूल वसूल पैसा वसूल है ओके डायरेक्शन कितना बांध के रखा आपने वो अच्छी तरह बांध के रखा है जी कितने स्टार देंगे आप 5 में से 4 थैंक यू सो मच बहुत अच्छी लगी सलमान एंड कैटरीना की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगी बहुत अच्छी दिशा पटनी सलमान से अच्छी दिशा पटनी से अच्छी एज सलमान खान की लग रही है उन्होंने कमेंट भी किया था ना कि उनकी एज ज़्यादा लग रही है तो दिशा पटनी की वो बहुत यंग लग रहे हैं सलमान खान बहुत अच्छे लग रहे हैं उनकी भी बहुत अच्छी एक्टिंग है अच्छे सभी गाने अच्छे स्लो मोशन में वो गाना बहुत अच्छा है आप मानते हैं आपका फुल पैसा वसूल है हाँ कितने स्टार देंगे आप 5 में 5 out of 5 थैंक यू जी थैंक यू थैंक यू बहुत अच्छी आप सलमान खान की फैन है हाँ तो सलमान खान की एक्टिंग पसंद आई आपको बहुत अच्छी तो कोई गाना कोई डायलॉग पसंद आया आपको सलमान खान की फिल्म हाँ कौन सा वाला सब पसंद सारे अच्छे थे एंड इसके अलावा कटरीना कैफ भी है हाँ तो और सुनील ग्रोवर भी है तो उनकी एक्टिंग पसंद आई बहुत अच्छी लगी इन लोगों के बारे में कुछ कहना चाहेंगे सुनील ग्रोवर सलमान खान आप उनकी फिल्म देख कर सलमान खान के बारे में हाँ हाँ क्या बोलेंगे आप सलमान खान को कि वो मेरे फेवरेट एक्टर है और मेरा बर्थडे 26 दिसंबर को आता है और उनका बर्थडे 27 दिसंबर को आता है क्या बात है ईद है आज तो आप सलमान को कुछ कहना चाहोगे हाँ हैप्पी ईद सलमान और कितने स्टार दोगे आप 5 में से बहुत ओके तो आपको कौन सा पसंद है सब अच्छा लगा सब अच्छा थैंक यू जी थैंक यू मैडम आप बताइए आपको कैसी लगी फिल्म भारत बहुत बहुत अच्छी बहुत अच्छी बहुत अच्छी या एंड सलमान खान कटरीना कैफ की केमिस्ट्री बहुत अच्छी नाइस अच्छी है सुनील ग्रोवर भी है हाँ उनकी भी अच्छी है वैसे कॉमेडी है अच्छी है मूवी ठीक है आप मानती हैं कि आपका जो पैसा था वो फुल पैसा वसूल था या फुल डायरेक्शन कितना बांध के रखा कितना पसंद आया डायरेक्शन तो 5 में से 5 है 5 में से 5 कोई गाना पसंद आया ऑलवेज थैंक यू जी ओके एंड व्हाट अबाउट सलमान खान Awesome. Are you a big fan of Salman Khan? No, I'm not a big fan of him, but I like Salman. You like Salman Khan acting in a movie? Acting is good but the thing is that storyline bahut poor hai har dusre moment mein salman kuch na kuch banta ja raha hai to ye hazam nahi hota yaar we are practical world mein hai like uski study nahi dikhai they are like they are not, usne koi study nahi ki hai salman ne bachpan se usko aisa dikhaya ki labor worker hai suddenly you are becoming anything and what about katrina ka awesome she's really awesome good you like any song in the movie All songs are really good. Which one? Your favorite? Salman and her song, Aankho Ke Ocean Mein. Okay. That is, and the Disha Patni song is also really awesome. And what about Sunil Grover? Wow, he took the movie. All movie he took it. Means you didn't like the direction. I can't say the direction also. The story script is really really poor. Everything was good if script was good. Like I was expecting Bajrangi Bhaijaan again. बट फिल्म देखते हुए जब लास्ट मोमेंट देखते हो आप हिंदुस्तान पाकिस्तान का रियूनियन करवा रहे थे जो द इंटरव्यूज करवा रहे थे उस टाइम पे आप बजरंगी भाईजान को याद करने चले जाते पूरी फिल्म आपको रिव्यू हो जाती है आई थिंक ही हैज़ टू डू समथिंग एल्स बिकॉज इट्स अ डिफरेंट ईद इट्स नॉट द सेम कॉन्सेप्ट ना आप ईद पर रिलीज कर रहे हो तो हर टाइम वही कॉन्सेप्ट अगर आपके माइंड में आएगा तो आई थिंक फॉर द स्क्रिप्ट 1 एंड फॉर द एक्टिंग 3 थैंक यू सो मच फिल्म काफ़ी अच्छी है एंटरटेनिंग है और ऑब्वियसली सलमान खान है तो सलमान मतलब किसी भी एज में दिखाया जाए अभी इसमें ओल्ड एज में दिखाए गए बट ही इज़ माई फेवरेट एंड ही इज़ लुकिंग वेरी हैंडसम इन फिल्म यस कैटरीना कैफ वॉज ऑल्सो गुड
मीन्स लाइक जो एज ग्रुप उनको दिया है या जो कैरेक्टर्स उनको दिए गए हैं तो वो उन्होंने काफ़ी अच्छे से निभाए हैं. सुनील ग्रोवर वॉज ऑसम. स्लो मोशन सॉन्ग मुझे ज़्यादा अच्छा लगा. बाकी स्टोरी अच्छी है. कुछ चीज़ें ऐसे लगती है कुछ जगह पे कि लेंदी हो रही है, बट ऑब्वियसली सलमान खान है तो उस वजह से वो नहीं इतना मैटर करता है. स्लो मोशन सॉन्ग मैंने अभी जैसे बताया कि स्लो मोशन सॉन्ग इज़ माई फेवरेट, तो वो सॉन्ग मुझे अच्छा लगा. बाकी मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसमें यही लगी जैसे मैंने अभी भी बताया कि एक बेटे ने अपने फादर को दिया हुआ प्रॉमिस निभाने के लिए ही गेव हिज होल लाइफ. सो वो चीज़ मुझे ज़्यादा टच कर गई. एंड आई विल गिव 4 स्टार आउट ऑफ 5. तब्बू उनका तो गेस्ट अपीयरेंस था तो उतना मतलब जिनको जो भी कैरेक्टर्स मिले हैं तो सभी आर्टिस्ट ने अपना 100% देने की कोशिश ऑब्वियसली की है. बट मुझे सबसे ज़्यादा एक्टिंग गुलाटी की जो है उनकी मुझे ज़्यादा पसंद है. आई विल गिव 4 स्टार. ओके. बहुत ही ज़बरदस्त. सबको सबसे पहले ईद मुबारक. और ईद के मौके पे इससे बेहतरीन ईद ही नहीं मिल सकती थी. आई थिंक बहुत अच्छी लगी. ही इज़ रिमार्केबल एज ऑलवेज. फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है उसकी स्टोरी. एक इंसान की 80 ईयर्स से लेकर 70 ईयर्स की पूरी जर्नी को डिपिक्ट किया है. प्लस म्यूज़िक बहुत अच्छा है मूवी का. स्क्रीन प्ले सब पे ध्यान रखा गया है. कहीं भी यू नो आप बोर नहीं होंगे. कैटरीना कैफ आई थिंक शी इज़ इम्प्रूविंग विद ईच एंड एवरी मूवी. तो इसमें भी जो इमोशनल सीन्स हैं वो बहुत अच्छे हैं. सुनील ग्रोवर की कॉमेडी बहुत अच्छी है. जितने भी उनकी कॉमेडी पंचेस हैं वो एंटरटेनिंग बनाते हैं मूवी को और ज़्यादा. गाने 2-3 मुझे बहुत अच्छे लगे. इतना गाना बहुत अच्छा है. फिलिक्स स्लो मोशन जिसमें दिशा पटानी है एंड शी लुक्स सो सेंशियस इन दैट सॉन्ग. एंड देयर इज़ वन मोर सॉन्ग चाशनी जिसमें बहुत ही अच्छी रोमांटिक केमिस्ट्री है सलमान खान और कैटरीना की. तो ओवरऑल अच्छा पैकेज है ईद के मौके पे. आई थिंक पीपल बिकॉज इट हैज़ इमोशंस, इट हैज़ एंटरटेनमेंट, इट इज़ वेरी इंजॉयबल. तो पूरे सब इन्ग्रीडियंट्स है एक हिट मूवी के. जी बहुत अच्छा. छोटे छोटे किरदार हैं. बाकी कैरेक्टर रोल्स में भी बहुत अच्छे अच्छे रोल्स. कुमोद मिश्रा और काफ़ी सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने सोनाली कुलकर्णी ने एक बुज़ुर्ग महिला का रोल निभाया. तो ओवरऑल आई थिंक यही है कि यू नो सब फैक्टर्स जब एक साथ मिल जाते हैं तो एक अच्छी मूवी बन सकती है. तो जैसे सलमान ने कहा था कि इसमें सब इंग्रेडिएंट्स हैं तो वाकई यू नो इट्स अ वेरी गुड पैकेज. बिल्कुल बिल्कुल पूरा पैसा वसूल. तो सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है. एडिटिंग पर ध्यान रखा कि ज़्यादा कोई पोर्शन को स्ट्रेच नहीं किया. तो उस तरह से बहुत अच्छी है. परफॉर्मेंसेस अच्छे हैं. तो आई थिंक पेट्रियाटिज़म जो है वो फैक्टर को बहुत यू नो बहुत अच्छे से दिखाया गया है. तो आई थिंक उसकी वजह से बहुत इमोशनल हो गए लोग. डायलॉग्स भी ठीक है लेकिन मुझे गाने बहुत अच्छे लगे सारे.